दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास दिया है 3 फैक्टोरियल। ये जो हमने लिखा है ये एक्सक्लामेशन का मार्क नहीं है, ये है फैक्टोरियल का सिंबल जो कि मैथ में यूज किया जाता है। इस 3 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 के पहले क्या आता है, 2, तो आपको कम करते जाना है नंबर, एक एक की गैपिंग करनी है और एक एक कम करना है। वही जैसे यहाँ 3 लिखा है, उसके बाद से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और भी इन नंबरों को किसमें लिखना है, गुणे में लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 6, 6 करना में 6, इसका आंसर कितना आ गया। अच्छा, और अच्छे से समझने के लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल है, तो ये 5 से नंबर स्टार्ट होगा, 5 लिखेंगे, फिर गुणे 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे, फिर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, 5 चौके 20, 20 यानी 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से फैक्टोरियल फाइंड किया जाता है, और हम इसमें और अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है और प्लस हमारे पास 3 फैक्टोरियल, तो क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐड होकर 5 फैक्टोरियल होता है या नहीं होता है, तो हम ये चेक करेंगे। अगर ऐसा होता होगा तो हम 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को जोड़ के 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। लेकिन आइए चेक करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को ऐड करने पर कभी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 लिखेंगे और गुणे में 1 लिखेंगे, बस 1 तक ही जाना होता है। 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 गुणे लिखेंगे 2, गुणे लिखेंगे 1। अब यहाँ देखिए, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली थी, 120, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, ठीक है। यहाँ पर 2 1 9 कितना हो जाएगा, 2, और 3 2 9 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर कितना आया था, 120। तो यानी कि 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, और 8 कभी 120 के बराबर नहीं हो सकता। यानी आप ये जान गए कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐड होके कभी 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये पहले से सीख क्या है कि 2x+3x को अगर हम ऐड कर दें, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x+3x, तो ये 5x हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐड होकर 5 फैक्टोरियल हो जाए। चलिए और हम आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ तो चीजें बताते हैं कि और इसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे पैटर्न होंगे। तो हम इसको जो है पहले मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल दिया है, क्या दिया है, 5 फैक्टोरियल, और आपके पास कुछ ऐसे नंबर है जैसे यहाँ पर लिखा है 2 फैक्टोरियल और 3, तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तब आपको 5 फैक्टोरियल को पूरा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको जो अपॉन में दिया है इनमें से बड़ा नंबर लिखना है। बड़ा नंबर क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो आप इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे गुणे 4 लिखेंगे, और इसके बाद आने वाले नंबर को आप 3 फैक्टोरियल से डिनोट कर, ठीक है। क्योंकि 5 को मैंने 5 गुणे 4 लिख दिया, और इसके बाद 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखते हैं, जिसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाइए, 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से क्या आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए, और इस टाइप का एक हम लोग जो है फार्मूला पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, एक चैप्टर है क्लास 11th में, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है उसमें फार्मूला होता है एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल, क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन होता है आर फैक्टोरियल, और नीचे हमारा होता है एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, या एन माइनस आर, और फिर ब्रेकेट के बाहर लगा रहता है। अब इसमें मान लीजिए हमारे पास वैल्यू एन सी आर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई, 8 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हुआ 6, ये 8 ही लिख लेते हैं क्योंकि एन की वैल्यू मैंने 8 ली है, यहाँ लिख दे 8 C, और यहाँ पर हम लिख दे 4 फैक्टोरियल, तो ये एन की वैल्यू है, तो यहाँ हो गया 8 फैक्टोरियल। नीचे वाली आर की वैल्यू होती है, तो यहाँ आर फैक्टोरियल की जगह कितना लिख दे, 4 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद से एन में से आर माइनस करेंगे, फिर फैक्टोरियल लगाएंगे, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ ब्रेकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 4 लिख दे, और यहाँ होगा। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है, तो हम इसको जो है 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, अभी मैंने ये बात बताई।
इसको क्या लिख सकते हैं, आठ और यहाँ एक गिनती चार, तो आठ सिक्स चार, यहाँ पर हो गया आठ फैक्टोरियल को, 8 × 7 × 6 × 5, और हम क्या लिख पाएंगे, 4 फैक्टोरियल। अब हम इसमें से एक 4 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे और 4 फैक्टोरियल को वैसे रहने, तो लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यहां से कट जाएगा 2 × 3 6 और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 × 2 8, नीचे के सभी नंबर कट चुके हैं, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 5 35 और 35 × 2 होता है 70, तो आंसर कितना आ गया इसका, 70। इसका आंसर कितना आ गया, 70। तो दोस्तों आपने देखा कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल ऐड होके जैसे 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, कभी 5 फैक्टोरियल नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फैक्टोरियल निकालना सीख चुके होंगे। जल्द ही एक चैप्टर मैं लेकर आने वाला हूँ क्लास 11th का, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। वो ये जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है वो उस वाले चैप्टर में लगेगा, इसलिए आप इसको पहले सीख लीजिए, फिर ताकि हम चैप्टर जब पढ़ाए तो आपको अच्छे से याद आए। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।